तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। भूल भुलैया 3 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। भूल भुलैया 3 का भाई साहब इतना लंबा पोस्टर लगा दिया, जब मैंने देखा दोस्तों भाई साहब मैं यूं ही करता रह गया कि भाई इतना लंबा और इतना तगड़ा दोस्तों भाई दोस्तों भूल भुलैया 3 के लिए भाई एक बड़ी बिल्डिंग के साथ दोस्तों पोस्टर लगा दिया गया है। तकरीबन इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई बहुत सारे फुट का है दोस्तों। आज हम भूल भुलैया 3 के बारे में बात करेंगे, कई सारी अपडेट आपको देने वाला हूँ, स्किन काउंट को लेकर बात करेंगे, कई सारी बातें करेंगे भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन को लेकर। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जब ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो भाई इस एक बड़ी बिल्डिंग पे, ये नहीं पता भाई ये बिल्डिंग कहां पर है, इस तरह की बातें बताई जा रही कि भाई 100 फीट यानी कि भाई 100 फुट का भूल भुलैया 3 का दोस्तों पोस्टर लगाया भाई साहब। यहां पर देखा जाए तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों एक वीडियो चल रही होगी जो कि भाई 100 फीट पोस्टर ड्रॉप डाउन ऑफ, यानी कि भाई दोस्तों इसका जो 100 फीट का पोस्टर लगा, इस तरह की बातें बताई जा रही है कि दोस्तों ये सबसे ऊंचा पोस्टर नहीं है भाई, इससे भी ऊँचे जो दोस्तों पोस्टर लगाएँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक बिल्डिंग, ये नहीं पता भाई ये बम्बई की है, दुबई की है, कहाँ की है, लेकिन भाई ये इंडिया की है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है कि भाई मूवी का प्रमोशन करने का, कितने लोग दोस्तों इस बिल्डिंग को देखेंगे, यानी कि दोस्तों सबसे ऊँची जो बिल्डिंग होती है लोगों की नज़र दोस्तों सबसे ज़्यादा वहीं पड़ती है दोस्तों। अब देखेंगे भाई भूल भुलैया 3 आने वाली है, जिन लोगों को यही नहीं पता कि भाई भूल भुलैया 3 भी कोई मूवी है, जिन लोगों ने दोस्तों भूल भुलैया 2 देख ली अब वो इंतजार कर रहे हैं भूल भुलैया 3 का, अब वो मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते, न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते, भाई उनको ये नहीं पता कि भाई भूल भुलैया 3 आ रही है। लेकिन दोस्तों जब ये पोस्टर देखेंगे तो उनको ये पता लग जाएगा कि भाई भूल भुलैया 3 भी कोई मूवी है जो कि भाई 1 नवंबर को आने वाली है। तो वह इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि भाई भूल भुलैया 4 की भी दोस्तों बिगेस्ट प्लानिंग कर ली है, यानी कि भाई मेकर्स को कार्तिक आर्यन को दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि भाई हमारी मूवी रॉकेट की तरह आसमान में जाएगी और भाई एक बहुत बड़ा धमाका होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि भाई उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस हो गया है कि भाई हमारी फिल्म भूल भुलैया 3 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी सिंघम अगेन के सामने। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि भाई जबी तो अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 4 का भी दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई हम भूल भुलैया 4 भी जल्दी लेकर आएंगे। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहां पर देखा जाए तो भूल भुलैया 3 की जो एडवांस बुकिंग होगी शुरू, दोस्तों कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करा, पूछा कि भाई भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग कब होगी। दोस्तों आप सबको तो पता है कि भाई भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन एक ही दिन, एक ही वक्त और एक ही समय पर दोस्तों फर्स्ट से फर्स्ट शो, यानी कि भाई बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है 1 नवंबर को। और दोस्तों 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है, बाकी देखते हैं दोस्तों कि भाई इस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बाकी दोस्तों इसकी जो एडवांस बुकिंग होगी, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तकरीबन एक हफ़्ते पहले यानी कि मूवी रिलीज़ होने से पहले एक हफ़्ते पहले दोनों की एडवांस बुकिंग ओपन होगी। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि भाई दोनों की एडवांस बुकिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होगी। जैसे कि बुक माई शो पर दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई बुक माई शो पर जो इंटरेस्ट चल रहा है सिंघम अगेन का, तो इंटरेस्ट है दोस्तों 3,07,000। वहीं दोस्तों भूल भुलैया की बात करें भाई साहब 3,12,000 जैसे भाई इंटरेस्ट चल रहा है, वैसे दोस्तों यहां पर देखा जाए तो एडवांस बुकिंग में भी दोस्तों 1 या 2 करोड़ भाई साहब ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि भाई कार्तिक आर्यन की जो फैंस फॉलोइंग है अब भाई उन पर ट्रस्ट करा जा सकता है, क्योंकि भाई जो कार्तिक आर्यन की कई सारी फिल्में, सहजादे ले लो, भूल भुलैया 2 ले लो, कई सारी फिल्में हैं जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा चुकी हैं। पहले दोस्तों ये मूवी 20-20 करोड़ के बजट की करते थे, अब भाई इस मूवी का बजट तकरीबन भूल भुलैया 3 का 150 करोड़ बताया जा रहा है, और सिंघम अगेन का जो बजट है तकरीबन 350 करोड़ से भी ज़्यादा बताया जा रहा है दोस्तों भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। तो कहने का मतलब है कि भाई दोनों की जो एडवांस बुकिंग होगी वो एक वीक पहले ओपन हो जाएगी, और दोनों की जो एडवांस बुकिंग ओपन होते ही भाई जो एडवांस बुकिंग होगी वो सेम से दोस्तों कलेक्शन होगा एडवांस बुकिंग का, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी दोस्तों यहां पर देखा जाए तो अब किन कुछ गिने चुने देशों के अंदर ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग दोस्तों ओपन हो चुकी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दोस्तों दुबई में, इस तरह की दोस्तों कुछ गिने चुने देशों के अंदर दोनों मूवीज़ की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी दोस्तों डे 1 का जो कलेक्शन होगा दोनों मूवीज़ का, यानी कि भाई भूल भुलैया 3 का दोस्तों तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करेगी, वहीं दोस्तों सिंघम अगेन तकरीबन 40 करोड़ प्लस कर सकती है, क्योंकि भाई इस मूवी का हाइप दोस्तों थोड़ा ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत सारे एक्टर हैं, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दोस्तों अर्जुन
कपूर, बाकी दोस्तों रणवीर सिंह, दोस्तों कई सारे स्टार कास्ट है इसकी। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी तगड़ी इसकी स्टार कास्ट है और कलेक्शन थोड़ा शुरुआती दिनों में ज़्यादा कलेक्शन करेगी। बाकी आप दोनों मूवीज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, भूल भुलैया 3 के 100 फीट पोस्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल सपोर्ट करें।